नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। बात करूंगा उच्च के शुक्रदेव के बारे में, जो कि आने वाली 15 अप्रैल से 10 मई के बीच में शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं अपनी मीन राशि यानी कि उच्च के राशि में। कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के रहते हैं और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के रहते हैं हमेशा। अंशों का भी चक्र है, कितने अंश के ऊपर है वो बात दूसरी है। आज मैं बताऊंगा आपको आने वाला 15 अप्रैल से 10 मई का जो समय रहेगा, शुक्रदेव आपकी राशि में क्या फल देने जा रहे हैं। बड़ा ध्यान से समझना है, मैं उन शुक्रदेव की बात कर रहा हूँ जो राजनीति के कारक हैं, जो सौंदर्य के कारक हैं, धन दौलत लग्जरी के कारक हैं, सुंदर ज्वेलरी के कारक हैं, बहुत लग्जरी हाउस के कारक हैं, लग्जरी गाड़ियों के कारक हैं, एंटरटेनमेंट साधन के कारक हैं, मौज मस्ती, लव लाइफ, प्रेम प्यार, संतान उत्पत्ति, गर्भधारण, इन सब में शुक्र का विचार है। मैं उन्हीं शुक्रदेव की बात कर रहा हूँ जो कि आपको विदेश में भेज सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा सकते हैं और चार चांद को उतार भी सकते हैं। उन्हीं उच्च के शुक्रदेव की बात कर रहा हूँ। ये उच्च के शुक्रदेव आने वाली 15 अप्रैल से 10 मई के बीच में आपकी राशि 12 राशियों में से सबसे जो भाग्यशाली 9 लक्की राशियां हैं, मैं उनका राशिफल बताऊंगा। ये 9 राशिफल, ये वो भाग्यशाली 9 राशियां बताने जा रहा हूं। इनके बारे में अगर आप समझेंगे, सोचेंगे तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। दोस्तों, मैं डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ से। आप मेरा YouTube चैनल नारायण एस्ट्रो इंडिया सब्सक्राइब कीजिए या एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण के नाम से भी आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ मेरे नए नए वीडियोस देख सकते हैं। बात करूंगा शुक्रदेव की। शुक्रदेव बहुत सुंदर चमकीले ग्रह हैं, बहुत पावरफुल हैं शुक्राचार्य। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियों में क्या फल रहेगा इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानेंगे सबसे जो 9 भाग्यशाली लक्की राशियां हैं, भाग्यशाली राशियां हैं, किस राशि को क्या फल देंगे। सबसे पहले चलते हैं वृक्षभ राशि। वृक्ष राशि का स्वामी क्या हुआ? शुक्र हुआ। वृक्ष राशि का स्वामी शुक्र और शुक्र की खुद की राशि है वृक्ष राशि, और वृक्ष राशि के कारक शुक्र ग्रह उच्च के, यानी वृक्ष राशि की कुंडली में वृक्ष राशि, वृक्ष लगन वाले व्यक्ति, इनको 11वें भाव में यानी कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, वृक्ष राशि वालों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। स्पेशली आपकी विदेश की तरफ जर्नी होने के योग बन रहे हैं, स्पेशली आपकी कुंडली के अंदर भाग्य उदय किस्मत आपके जागने के योग बन रहे हैं, संतान की तरफ से खुशी मिलने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के घर में नई गाड़ी, नया वाहन और नया घर बनने के योग बनते हैं इसी समय के मध्य में, बहुत खुशी की बात है। बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का स्वामी बुध होता है, और मिथुन राशि वालों की कुंडली में या आपकी जो जन्म राशि चंद्र राशि है, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की कुंडली में 10वें भाव यानी कि बिजनेस में, कर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र व्यापार का, फादर का, पिता का, नौकरी का, व्यवसाय का, रेवेन्यू का, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई IAS की तैयारी कर रहे हैं, कोई रेवेन्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ा फंड लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के सारे काम सिरे चढ़ने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्ति इस समय के अंदर एक नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, नया व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हैं, और नया व्यापार इस समय के बीच में यदि होता है यानी कि 15 अप्रैल से 10 मई के मध्य में यदि होता है, तो मान के चलिए ईश्वरीय कृपा से वो बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के योग है। ग्रह आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देने वाले हैं। बात करेंगे करक राशि वालों को। करक राशि स्वामी चंद्रमा, और करक राशि वालों को 9वें स्थान में, भाग्य स्थान पे, लक स्थान पे शुक्रदेव अपनी उच्च की मीन राशि में आ गए हैं। अब उच्च की मीन राशि में शुक्र भाग्य स्थान पे, धर्म में बढ़ोतरी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाएंगे, कहीं ना कहीं आपका मन
गलत चीज़ों की तरफ भी ले जा सकते हैं। एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, लव लाइफ। हाँ, जब भाग्य घर के शुक्र हैं नौवें के, कर्क राशि वालों को विदेश यात्रा 99% करवाने के योग बनते हैं। आपको इस समय के मध्य में कर्क राशि को स्पेशली जमीन जायदाद में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, राजनीति में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के योग बनते हैं। कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन नौवें स्थान में, भाग्य स्थान पे धर्म की वृद्धि भी करते हैं। लेकिन कर्क राशि वाले व्यक्ति यदि राजनीति में भाग ले रहे हैं, पॉलिटिक्स की कुछ प्लानिंग चल रही है, तो जीतने के बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं। राजनीति में पूर्ण रूप से आपको सफलता के योग बनते हैं। माता पिता से अगर कोई धन चाहते हैं, माता पिता से कोई आपका वाद विवाद चल रहा था, तो वो भी आपका सुलझने के योग बन रहे हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनते हैं। बात करेंगे अगली भाग्यशाली राशि, कन्या राशि। कन्या राशि को कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी कन्या राशि वालों को सातवें स्थान पर, यानी पति या पत्नी के स्थान पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। पत्नी के स्थान पर क्या होगा, आपको सुंदर पत्नी मिल सकती है, सुंदर पति मिल सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में शुक्र आ रहे हैं। और सप्तम स्थान क्या है, वैवाहिक जीवन का है। और वैवाहिक, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जिन लड़कियों के, जिन लड़कों के, उनका विवाह, आपका विवाह, आपका रिश्ता, एंगेजमेंट भी होने के योग बनते हैं। स्पेशली 15 अप्रैल से 10 मई के बीच में जो शुक्र का परिवर्तन है मीन राशि में, ये आपकी राशि को, यानी कन्या राशि को स्पेशली लाभ देंगे। नए कपड़े की प्लानिंग हो सकती है, नई खरीदारी, शॉपिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो बहुत कुल मिलाकर के कन्या राशि के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। अगली भाग्यशाली टॉप 9 राशि की बात चल रही है यहाँ पे, अगली सबसे भाग्यशाली राशि क्या बनती है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी पंचम स्थान यानी लव लाइफ, लव मैरिज अगर आपकी पेंडिंग है, आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपकी लव मैरिज हो सकती है, शादी के योग बनते हैं, मन की शांति मिलेगी, दिमाग तेज होगा, संतान पैदा करने वालों को संतान की प्राप्ति होगी। जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं, वृश्चिक राशि वालों को जब शुक्रदेव अपनी वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन पंचम, मतलब संतान भाव, जब वृश्चिक राशि का व्यक्ति संतान पैदा करने के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर आपके मनचाही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। गर्भ धारण करना चाहती हैं जो स्त्री महिला, उनको गर्भ धारण की प्राप्ति होगी। कहने का भाव, पंचम बुद्धि का, विद्या का, एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट का, मौज मस्ती का, तो जो ये सारे संबंध हैं आपको वृश्चिक राशि वालों को सब प्राप्त होगा। यहाँ तक कि वृश्चिक राशि वाले कोई बहुत बड़ा लोन भी ले सकते हैं, बैंक से कर्ज भी ले सकते हैं, लेकिन कर्ज मिलेगा किसके लिए, घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी के लिए, गृहस्थी में कुछ अच्छा करने के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों की चांदी ही चांदी है। अगली बात करूँगा दोस्तों धनु राशि वाली, क्या बात है, चौथे घर में क्या बात है, आनंद आ गया। राजनीति, धनु राशि वाले व्यक्ति, अगर आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं, राजनीति में हैं, आपको पता है ये इलेक्शन के दिन भी हैं, राजनीति के दिन भी हैं। इन दिनों में यदि आप राजनीति में प्लान करते हैं, राजनीति में कोई आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई आपने वोट लेने हैं पब्लिक से, तो चौथा घर क्या है, राजनीति का, पब्लिक का है, तो आपको पब्लिक की सम्मति बहुत मिलेगी, सिंपति बहुत मिलेगी, प्यार बहुत मिलेगा, राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को आप पटक सकते हैं। धनु राशि वाले व्यक्ति, यानी आपकी विदेश यात्रा चौथे घर में, जो धनु राशि वाले व्यक्ति विदेश में पीआर लेना चाहते हैं, स्पेशली पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी जो लोग लेना चाहते हैं, उनको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल सकती है। आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा गारंटेड, किसका, धनु राशि का। धनु राशि वाले व्यक्ति के पिता से संबंध भी मजबूत होने जा रहे हैं, दृष्टि कहाँ है, पिता के स्थान पर दसवें में, और व्यापार की प्लानिंग भी बन रही है, इनकम के साधन भी खुलने जा रहे हैं।
चौथे घर में शुक्र नया घर भूमि भवन मकान अगर बनाने की प्लानिंग है वो बन जाएगी, नई गाड़ी लेने की प्लानिंग है बन जाएगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, माफ कीजिएगा धनु राशि वाले व्यक्ति, यदि धनु राशि वाले व्यक्ति का लग्न क्या हुआ, धनु राशि का स्वामी और मीन राशि का स्वामी गुरु है, तो कहीं ना कहीं धनु राशि वाला व्यक्ति उच्च के यानी कि मीन के शुक्र में सबसे ज्यादा लाभ उठाएगा 12 राशियों में। या कौन उठा रहा है, मीन राशि का व्यक्ति। तो आपको धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी है, कोई चिंता की बात नहीं, मौज करें और कुछ बड़ा प्लान करें, बड़ा सोचें, बड़ा होने का योग बन रहे हैं। बात करेंगे अगली भाग्यशाली राशि मकर राशि की। मकर राशि को तीसरे भाव में, तीसरा भाव यानी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, साझेदारी, भाई बहन, मित्र, सहोदर, सखा, इन सब के साथ आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं। तीसरे घर में उच्च के शुक्र, क्या बात है, मतलब मकर कुंभ मीन, बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति है। साझेदारी पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी, नई प्लानिंग चल रही है तो पार्टनरशिप स्टार्ट हो जानी है। यहाँ तक कि अगर आपका कोई विदेश के साथ जुड़ा हुआ कार्य पेंडिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कुछ प्लानिंग चल रही है तो वो सक्सेस हो जाएगी, या आपकी लंबी लंबी जर्नी स्टार्ट होने वाली, यात्राएं बड़ी स्टार्ट हो जाएंगी। किन की बात कर रहे हैं, मकर राशि वालों, मकर वालों को शुक्रदेव बहुत शुभ फलदायी रहेंगे, भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे, पार्टनर से लाभ दिलाएंगे, सजावटी सामान भी खरीदेंगे, घर में ब्याह शादी फंक्शन होगा उसके लिए शॉपिंग भी करेंगे, लग्जरी चीजें आने का योग बनते हैं, शुभ फलदायी है, मौज कीजिए। बात करेंगे अंत में सबसे भाग्यशाली राशि, सबसे शानदार राशि, फिर कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि, कुंभ मीन यानी धन स्थान पे, सेकंड मार्क स्थान भी है लेकिन सेकंड में उच्च के शुक्र, कुंभ राशि वाले व्यक्ति सावधान हो जाएं, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, धन बड़े लेवल पे मिलने वाला है। अगर कुंभ राशि का व्यक्ति उच्च के शुक्र का 15 अप्रैल से 10 मई तक स्पेशल एनर्जी लगाइए, आपको सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, रुका हुआ धन, अगर डूबा हुआ रुपया है वो आपका बाहर निकल जाएगा, फंसा हुआ रुपया कहीं दे रखा था वो वापस आ जाएगा, थोड़े से प्रयास जारी करो, मिलना जुलना शुरू कर दो, काम हो जाएगा आपका। अंत में बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वाले जो भाग्यशाली पुरुष हैं, मीन राशि वाले व्यक्तियों को राजनीति में विशेष सफलता मिलने वाली, क्योंकि आपकी अपनी राशि में शुक्रदेव आए हैं, 15 अप्रैल से 10 मई के बीच में शुक्र ने रिजल्ट बहुत देने हैं आपको, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर देगा, पुरानी बीमारियां चल रही थी खत्म कर देंगे, रोग मुक्त कर देंगे, स्किन की एलर्जी डिसीज, बालों की प्रॉब्लम चल रही थी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, दवाई नहीं लग रही थी दवाई लगनी शुरू हो जाएगी, उच्च के शुक्र आपके लग्न में आ गए हैं, आपको खुश होना चाहिए, हैप्पी, आपका वैवाहिक जीवन जो टूटने वाला था वो बच जाएगा, डिवोर्स के योग चल रहे थे ठीक हो जाएगा, मन की शांति मिलेगी, आप बहुत सुंदर सुंदर कपड़े खरीदने जाएंगे, शॉपिंग बहुत अच्छी होने वाली है, वाहन सुख मिलने वाला है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लगन में शुक्रदेव हैं तो डिसीजन मेकिंग बन जाएंगे, बड़े लेवल के डिसीजन मिलेंगे, बड़े आपके जो कन्फ्यूजन थी वो सारी दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये 9 भाग्यशाली राशियां थी, बाकी रहे मेष, सिंह और तुला राशि, इन लोगों के लिए थोड़े से शुक्रदेव कहीं ना कहीं खराब है, कहीं ना कहीं आपको तंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, करियर को लेकर के। तो 3 राशि वाले व्यक्ति सावधान रहें, मेष, तुला और सिंह राशि, ये 3 राशियों के, क्योंकि 6, 8, 12 घर की जब राशि आती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को, रोग को, ऋण को, कर्ज को बढ़ावा देती है। तो बाकी सब 9 राशि बहुत भाग्यशाली राशि हैं, आप सबको शुभकामनाएं। डॉक्टर नारायण आचार्य को आज्ञा दीजिए, हमारे चैनल नारायण एस्ट्रो इंडिया और नारायण नारायण एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और रोजाना हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमें चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको रोज आपकी राशियों की अपडेट मिलती रहे। अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा,
नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।